चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कैसे अकाउंट क्रिएट किया जाता है। हमारे लिंक पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद में आपका क्रोम या आपके ब्राउजर पे ओपन होगा। उसके बाद में यहाँ पर आप जो है डाउनलोड का ऑप्शन ओपन करेंगे, और यहाँ पर जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक करेंगे वैसे ही आप अपने प्ले स्टोर पर पहुँच जाएंगे। ठीक है, प्ले स्टोर पर पहुँचने के बाद यहाँ पर मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है, तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। और ओपन करने के बाद आप देखेंगे इसका इंटरफेस कुछ इस तरह का रहेगा। इसमें आप कंट्री चूज करेंगे, कंट्री चूज करने के बाद इसमें आप अपना मोबाइल नंबर जो है वो डालेंगे, जो भी आपका होगा। सबसे पहले कंट्री चूज कर लेते हैं, इसके बाद में अपना फ़ोन नंबर। तो मोबाइल नंबर हमने यहाँ पे डाल दिया है। मोबाइल नंबर डालने के बाद हम इसको करेंगे सबमिट, सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में हमारा यहाँ पर एक पासवर्ड बनाना रहेगा। पासवर्ड जो रहेगा वो आपका पहला अल्फ़ाबेटिक रहेगा, उसके बाद नंबरिंग रहेगा। ठीक है, आप पासवर्ड जो भी रहेगा आपका स्ट्रांग रहेगा, आप 8 करेक्टर इसमें बना सकते हैं। ठीक है, जो भी पासवर्ड बनाएंगे सबसे पहले ऊपर वही बनाएंगे, उसके बाद वेरीफाई पासवर्ड में भी वही पासवर्ड आप डालेंगे। इसके बाद में आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना होगा। चलिए देख लेते हैं, हम अपना पासवर्ड डाल लेते हैं। और पासवर्ड डालने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपका नेक्स्ट ऑप्शन आएगा, यहाँ पर नेम पूछेगा। आप अपना नेम सेटअप कर सकते हैं, अपना फर्स्ट नेम जो भी होगा वो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। फर्स्ट नेम में और लास्ट नेम में डालिएगा। प्रॉपर आप अपने एज पर डॉक्यूमेंट के हिसाब से डालिएगा, ताकि आपको KYC करने में कोई दिक्कत ना आए। नाम डाल लिया है, इसके बाद में हम अपना यूजर नेम चूज करेंगे। यूजर नेम कुछ अपने नाम से रिलेटेड ही कुछ अपना यूजर नेम बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बना लेते हैं अपना यूजर नेम, और यूजर नेम के बाद में सबमिट करेंगे। अपना यूजर नेम बनाने के बाद में अब आ जाएंगे आप यहाँ पर, आपसे रेफरल कोड मांगेगा। ठीक है, इनविटेशन कोड जो कि आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा, वहाँ से आप कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद इसको क्या करेंगे, आप वहाँ पे ले जाकर पेस्ट कर दीजिए। आप टाइप भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर पेस्ट करने के बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद में आपका जो है अकाउंट बनकर तैयार हो जाएगा। आपका अकाउंट बनेगा, उसके पहले आपको एक पॉपअप ओपन होगा, जहां पर आपको दिखाएगा योर नेम इज करेक्टली, यानी कि आपका नाम करेक्ट है। एज पर आधार के हिसाब से अगर आपने आप कोई भी डॉक्यूमेंट होगा उसमें जो है आपका स्पेलिंग ये नाम मैच करना चाहिए, तभी आपकी KYC होगी, अदरवाइज़ आपकी KYC कैंसिल हो जाएगी। दोस्तों ये बहुत ही ध्यान से देखिएगा, अपना नाम जो है उसमें प्रॉपर डालिएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखता हूँ कि मेरा नाम जो है वो करेक्ट है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको क्लोज कर दूँगा। क्लोज करने के बाद अब देखते हैं आगे बढ़ते हैं क्या स्टेप होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया ऑप्शन गेट स्टार्ट का। गेट स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें दिखा रहा है कि 0 पाई प्रति घंटा चल रहा है। इस पर आप अगर करेंगे तो यहाँ से माइनिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया है, हमारी माइनिंग स्टार्ट हो गई है। योर पाई बैलेंस यहाँ पर शो करेंगे, उसके बाद में यहाँ से चैट ओपन होगा और यहाँ पर पाई चैनल आनी होम स्क्रीन। ठीक है, यहाँ पर मेरा 0.02 के हिसाब से मेरा पाई जो है वो बढ़ रहा है। और देखते हैं इसमें जब पायनियर ओपन होगा तो यहाँ पर दिखा रहा है पायनियर आप हैं, और उसके बाद में कंट्रीब्यूट अभी नहीं कर सकती है, लॉकर दिखा रहा है। और फिर उसके बाद में बैक आ जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं होम स्क्रीन पे। ठीक है, यहाँ पे बूस्टर पे क्लिक करेंगे और बूस्टर में दिखा रहा है आपको जो डिटेल होगी वो दिखेगा, और ऐसे में आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है। बाकी अब इसमें आप अपना ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, फेसबुक आईडी, ये सारी चीज़ें जो है वो आप वेरीफाई कर सकते हैं। वेरीफाई करेंगे उसके बाद में आप अपने जो है KYC के लिए अवेलेबल हो जाएंगे वहाँ से। अभी जो कि KYC हो रहा है लेकिन थोड़ा थोड़ा टाइम बाद। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे में अगर आप रेफरल लिंक से करते हैं तो आपको डायरेक्ट 1 पाई जो है वो मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये थी जानकारी, देखने के लिए धन्यवाद।